विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गुरुवार को कचहरी बस स्टेशन स्थित कार्यालय पर बैठक किया। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी विध्वंस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और जय श्री राम के नारे लगाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष विजय कुमार खेंका ने कहा, कहता है कि है मैं देता हूँ और अपनी माँ की आस्तीन में उसकी सिलिंग थी उसको फाड़ दिया और दिखाया गया ये सिक्के मेरी माँ ने मुझे दिया। एक दूसरे पर हमले करते थे। कबीलाई संस्कृति सभ्यता है, सीधी सीधे वर्णन है कि जो कविताओं का पाठ हुआ करता था वह कविताओं का पाठ 250 वर्षों तक हुआ। वेदों का वर्णन है 4 वेद और वह सोच लेकर के जब निकलता है तो पूरी दुनिया जीतते जीतते, क्योंकि जो प्रयाण था वह तो भारत की तरफ था। राम का बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का राम लला हो बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। विजय कुमार खेमका, महानगर अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। आज गौरवशाली दिवस 6 दिसंबर सन 1992 में जो हिंदू समाज पे राम जन्मभूमि के ऊपर एक कलंकित ढांचा था, जो अपमान का चिन्ह था, उसको हटा दिया गया था, उसके स्मृति में आज एक गौरवशाली दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। यह दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं। आज के हम संकल्पित होते हैं कि हम जो है राम जन्मभूमि पे राम लला का भव्य मंदिर बनाएंगे।